हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में बताऊंगा MI UI 11 का कुछ हिडन ट्रिक्स, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं और उसका क्या यूज़ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला जो फीचर उसमें मैं आपको बताऊं कि आप मल्टी यूज़र फीचर को कैसे इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसके यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को अपना फ़ोन दे सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पेस में यूज करने के लिए। दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ से न्यू यूज़र को ऐड भी कर सकते हैं और जो नया यूज़र होगा उसको नया स्पेस मिलेगा आपके फ़ोन को यूज करने के लिए। फिर आप उसे जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप यहाँ पे अपना एक फ़ोटो भी लगा सकते हैं और यहाँ पे निकनेम भी लिख सकते हैं जिसकी वजह से आप पहचान लें कि मेरा वाला स्पेस कौन सा है। तो दोस्तों, चलिए मैं बताता हूँ आपको इसको इनेबल कैसे करना है। दोस्तों, इसको इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है अबाउट फ़ोन में। उसके बाद से आपको MIUI वर्जन पे मल्टीपल टाइम्स क्लिक करते रहना है। दोस्तों, उसके बाद से आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। उसके बाद से आप नीचे एक नया ऑप्शन ओपन हो गया होगा, उस पर आपको क्लिक करना है जिसका नाम डेवलपर ऑप्शंस है। उसमें आपको चले जाना है सबसे नीचे और उसके बाद से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, इसको आपको ऑफ कर देना है, आप में डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। उसके बाद से आपको बैक चले जाना है। दोस्तों, बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो नए फीचर आ गए हैं, एक मल्टीपल यूज़र्स का और एक एम्बिएंट डिस्प्ले का। तो एम्बिएंट डिस्प्ले तो वर्क नहीं करता है दोस्तों, लेकिन मल्टीपल यूज़र डेफिनेटली वर्क करता है। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे फीचर इनेबल हो गए हैं। दोस्ती, चलिए अब अगले फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगला जो हिडन ट्रिक है उसके लिए आपको चले जाना है MI वीडियो में और आपको जो वीडियो हाइड करना है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो बहुत सारे वीडियो होते हैं जिसको आपको हाइड करना होता है, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है, लेकिन ये फीचर अब MI वीडियो में आ चुका है। तो दोस्तों, आपको वीडियो सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद से नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पे एक हाइड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस पर आपको टैप करना है। तो उसके बाद से आपको यहाँ पे एक पासवर्ड पूछेगा, तो आपको कोई पासवर्ड डाल देना है। तो मैं ये पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको यस नो का ऑप्शन आएगा, आपको यस कर देना है। दोस्तों, देख सकते हो वीडियो हाइड हो चुका है। दोस्तों, देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो फिर वापस लाना होगा तो आप इसको कैसे लाएंगे, अब मैं ये बता रहा हूँ। उसके लिए आपको दोस्तों नीचे एक फोल्डर का ऑप्शन दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे, आप उस पर क्लिक करना है और आपको सबसे नीचे जाना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है हाइड आइटम्स का, उस पर आपको टैप करना है और आपसे दोबारा ये पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आपको डाल देना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये वीडियो फिर से आ चुका है। इसको अनहाइड करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करना है और शेयर वाले बटन पर करना है। देख सकते हैं फिर से ये ऑप्शन आ गया है अनहाइड। दोस्तों, देख सकते हैं ये वीडियो फिर से वापस आ चुका है। दोस्तों, अगला जो फीचर है उसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है डिजिटल वेलबींग में और यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटअप पैरेंटल कंट्रोल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद से आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा पेरेंट या चाइल्ड। दोस्तों इसे आप अगर चाइल्ड पे क्लिक करते हैं तो ये प्ले स्टोर पे जाएगा लेकर आपको, और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको बोलेगा। दोस्तों आपको उस एप्लीकेशन को अपने चिल्ड्रन और फैमिली मेंबर के किसी फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे, और जो पेरेंट वाला एप्लीकेशन है उसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे तो आप जो पेरेंट का फ़ोन है उससे आप चाइल्ड वाले फ़ोन को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मैं उसको अभी पूरा प्रोसीजर करके नहीं बता सकता क्योंकि इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको देखना है तो आप जाके पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब अगले हिडन ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है उसके लिए आपको नोट्स में चले जाना है, और आपको पता होगा कि MIUI 11 में टास्क का एक नया ऑप्शन आया है जिसको यूज करके आप अपने टास्क ऐड कर सकते हैं और उसमें रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं कि ये काम इस समय पर करना है हमको। दोस्तों इसमें एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए आपको चले जाना है सेटिंग में, और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यूज टास्क टूल बॉक्स, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और इसको काट देंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक साइड बार मिल गया, उसको आप ऐसे स्वाइप करेंगे साइड में तो आपको आपका जो टास्क होगा वो आपको दिखे। देखिए मैं वीडियो बनाने के लिए जो ट्रिक्स रखा था उसको मैं टास्क में ऐड करके रखा था। तो दोस्तों ये भी एक कमाल का फीचर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो हिडन ट्रिक है वो भी MI वीडियो में ही है, देख सकते हैं दोस्तों ये सारे मेरे वीडियोज़ यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो दोस्तों आप जैसे इसको पिन इन करेंगे देख सकते हैं सारे जो वीडियो से एकदम छोटे छोटे हो गए, जिससे आप कोई भी वीडियो ढूंढ पाएंगे अगर आपके पास ज़्यादा वीडियोज़ है तो। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है जिसे आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब अगले हिडन ट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगला जो ट्रिक है वो काफ़ी मज़ेदार और बहुत ही सीक्रेट हिडन ट्रिक आप बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे में आपको एक नया आइकन दिख रहा होगा, अगर मैं उस पर आपको क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप गूगल असिस्टेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर पावर बटन को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, आप यहाँ से रिसेंट एप्स खोल सकते हैं, फ़ोन को लॉक कर सकते हैं, उसके बाद से आप टॉगल्स ला सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों, और नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, और आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही हैंडी और कमाल का फीचर है। दोस्तों चलिए मैं बताता हूं आपको इसको इनेबल कैसे करना है। दोस्तों इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद से आपको चले जाना है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में, के लिए आपको चले जाना है एडिशनल सेटिंग में, और देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, एक्सेसिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद से आपको चले जाना है मोर डाउनलोड एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज में। दोस्तों उसके बाद से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, उसको आपको क्लिक करना है और उसको इनेबल कर देना है। दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, इसको जैसे डिबल करता हूँ देख सकते हैं वो गायब हो चुका है, जैसे ही मैं इसको इनेबल करता हूँ देख सकते हैं वो टॉगल फिर से आ चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।